हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। आज मैं आपके लिए लाया हूँ, उन लोगों के लिए वीडियो लाया हूँ जो एक नया कंप्यूटर इंस्टीट्यूट रन कर रहे हैं या फिर एक खोलना चाह रहे हैं और उनको सही मार्गदर्शन नहीं मिल रहा है। पहले तो आपको मैं धन्यवाद कहना चाहूँगा कि आपने मुझको इतना सहयोग दिया और इतना आपने मेरे वीडियो को देखा गया, पिछला वीडियो मेरा जिसमें मैंने बताया था कि अगर आप कोई सेंटर खोलना चाह रहे हैं तो आपको किसी की फ्रेंचाइज लेने की ज़रूरत नहीं है और आप कैसे सेंटर को रजिस्टर करेंगे। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरी डीपली नॉलेज दूंगा। अगर आप ये वीडियो पूरा देख लेंगे तो आप अपने सेंटर को रजिस्टर कर पाएंगे और जो भ्रमित हो रहे हैं और जो मिसगाइड हो रहे हैं उससे भी आप बच जाएंगे। तो उन लोगों भाइयों के लिए ये, या फिर जो भी सेंटर खोलना चाह रहे हैं, ये उनके लिए वीडियो है जो न्यू सेंटर ओपन करना चाह रहे हैं या फिर किसी की फ्रेंचाइज ले चुके हैं और उनकी सर्विस से आप खुश नहीं हैं और अपना सेंटर आप खुद ओन रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं। तो आज मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा और कुछ मैं आपको वेबसाइट भी बताऊंगा जिस पर आपको जाना है और वहाँ पर रजिस्टर अपने सेंटर को कर लेना है। तो बाद में इस चीज़ को लेकर चलूँगा, पहले मैं आपसे कुछ थोड़ा सा बात करूँगा कि आपको क्या करना है। सबसे पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको, अगर आप नया सेंटर खोल रहे हैं तो सबसे पहले आपको 7 मेंबर या 15 मेंबर की आपको एक सोसाइटी बनानी पड़ती है या फिर आप एक ट्रस्ट बना सकते हैं। ठीक है, आप सोसाइटी सबसे आपका एक मिनिमम होता है लेवल उस, तो ये आप किसी कंसल्टेंट से भी करा सकते हैं, जो कंसल्टेंट होते हैं रजिस्ट्रेशन कराते हैं या फिर लोअर होते हैं उनसे भी आप कंसल्ट कर सकते हैं कि मेरे को एक सोसाइटी बनानी है। ये एजुकेशन सोसाइटी मानी जाती है, तो इसको सबसे पहले आपको बना लेना है। और ये चिट एंड फंड्स, आप एक ऑफिस होता है को अपने एरिया में देखना होगा। मैं आपको कुछ ऑफिस बताऊँगा जहाँ से आप ये कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, वहाँ पर आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सोसाइटी की। तो सोसाइटी क्या होता है? सोसाइटी एक 7 मेंबर या 15 मेंबर की एक होती है, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हम इस सोसाइटी के बेस पर एक इंस्टीट्यूट को रन करा रहे हैं। ये आपको दिखाना चाहूँगा, ये मेरी सोसाइटी बनी हुई है, ये आपकी स्टेट लेवल की है और इसमें इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट मिलता है। ठीक है, इसको आपको अपने सेंटर पर लगा लेना है तो आपका एक तरीके से रजिस्टर्ड सेंटर हो जाता है गवर्नमेंट के थ्रू। ठीक है, ये मेरा यूपी गवर्नमेंट का रजिस्टर्ड है, आप जिस स्टेट में रह रहे हैं उसका आपको ये सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी आपकी 5 ईयर्स की होती है, इसके बाद आपको रिन्यूअल कराना होता है। ठीक है, तो मैं इसको आपको बताऊंगा, इसको कैसे आप कहां पर सर्च करेंगे ऑफिस वगैरह उसको मैं आपको बताऊंगा, इसलिए पूरा वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो प्लीज़ आप इसको देखिएगा ज़रूर। अब दूसरी बात बता कर लेते हैं, इसके बाद आपको क्या करना है। एक तो आपको सबसे पहले सोसाइटी बना लेनी है। सोसाइटी में आपको कोई भी नेम रखना है जिस नेम से आपको ये इंस्टीट्यूट चलाना है, क्योंकि इस सर्टिफिकेट में आपका वही चीज़ मेंशन होकर आएगी, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ आपको मैं बताऊंगा कि आपको एक उद्योग आधार MSME का जो आपका एक डिपार्टमेंट है उसमें आपको अपने सेंटर को रजिस्टर्ड करना है। उसमें जब आप अपने सेंटर को रजिस्टर्ड कर लेंगे तो ये तो आपका स्टेट लेवल का हो गया जो सोसाइटी हो गई, और एक बनती है आपकी सोसाइटी दो तरीके की होती है, एक तो स्टेट लेवल की और एक होता है नेशनल लेवल की। तो आप स्टेट लेवल की बना लीजिए। इसके बाद आपको करना होगा कि आपको MSME या उद्योग आधार में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा अपने सेंटर को। ठीक है, पहले तो आपको सोसाइटी बनानी है, फिर आपको सेंटर में रजिस्टर करना है। तो MSME के को करने के बाद आपको कैसा, देखिए इस तरीके से आपको एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड हो जाएगा, ये उद्योग आधार का सर्टिफिकेट आपको मिलेगा, या आप किसी जन सेवा केंद्र या आप खुद के, मैं आपको कुछ वेबसाइट बताऊंगा वो आप अपने सेंटर को रजिस्टर्ड कर सकते हैं वहाँ से। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा, लास्ट में मैं उसको चीज़ को बताऊँगा कि आपको कहाँ से रजिस्टर्ड करना है। तीसरी चीज़ आपकी रहती है कि आपको फिर ISO सर्टिफाइड कराना पड़ता है। अगर आपको एक वैलिड सर्टिफिकेट आपके अपने स्टूडेंट को देना है तो आपको एक ISO सर्टिफाइड कराने पड़ेगा। अगर ये आप तीनों चीज़, यानी कि आप सोसाइटी या ट्रस्ट या फिर आप ये आपका MSME उद्योग आधार से रजिस्टर्ड करा लेंगे और एक आप ISO सर्टिफाइड अपने इंस्टीट्यूट कर करा लेंगे, फिर आपको सर्टिफिकेट देते हैं तो आपका वो पूरी तरीके से वैलिड होता है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि ISO सर्टिफाइड, ISO सर्टिफाइड कराने के बाद आपको इस तरीके का आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड होता है। इसके बाद आप अपने ये सब सर्टिफिकेट आपको अपने सेंटर पर लगा लेना है, जिससे आपको दिखा सकते हैं कि आपको कहाँ से मान्यता मिली हुई है, आप कहाँ से रजिस्टर्ड हैं, आप अपने स्टूडेंट को आसानी से दिखा सकते हैं। ये मैं चीज़ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि
इसमें मैं थोड़ा सा ये बताना चाहता हूँ कि मैं भी एक सेंटर रन करा रहा हूँ पिछले 10 सालों से, तो मैं उस बिहाफ पे आपसे ये बात कर रहा हूँ, और ये आपको नॉलेज कोई और नहीं दे पाएगा, क्योंकि ये वही दे पाएगा जो ऑलरेडी इस चीज़ में है। ठीक है, तो मैं पिछले 10 साल से चल रहा हूँ, और मेरे साथ भी ये प्रॉब्लम आई थी, जो मेरे पे भी फ़ोन या कमेंट आते हैं लोगों के कि हम कहाँ से रजिस्टर्ड करें कोई नए सेंटर, तो वो मिसगाइड होते हैं, उनको गाइडलाइन पूरी नहीं मिल पाती है कि कहाँ से रजिस्टर्ड करें, और वो एक फ्रेंचाइजी ले लेते हैं कहीं से, फिर उसमें आपको काफ़ी भारी भरकम फ़ीस देनी पड़ती है, या फिर आप फ्री ऑफ कॉस्ट भी देते हैं कुछ लोग, मगर फिर बाद में सर्टिफिकेट की इतनी फ़ीस कर देते हैं कि वो बहुत ज़्यादा आपके पास लोड हो जाता है, और कुछ की सर्विस इतनी बेकार होती है कि आपसे वो फ्रेंचाइजी तो आप उनके ले लेते हैं, बट फिर वो उसके बाद आपसे आनाकानी करते हैं, सर्टिफिकेट प्रोवाइड नहीं करते टाइम से टाइम। ये मेरे साथ भी प्रॉब्लम आई थी, क्योंकि मैंने भी फ्रेंचाइजी ले रखी थी पहले, उसके बाद मैंने इसको रजिस्टर कराया। चैनल बनाने का उद्देश्य यही है कि आप लोगों जो नया सेंटर खोल रहे हैं उनको मैं एक तरीके से सही मार्गदर्शन दे सकूं और बता सकूं आप कहाँ से एक रजिस्टर्ड करा सकते हैं अपने सेंटर को और आराम से चला सकते हैं, और सारे इंस्टीट्यूट इसी की तर्ज पर आपका चल रहे हैं। मैं आपको बताऊंगा कि आपको कहाँ पर आपको रजिस्टर करना है, मैं आपको लैपटॉप की स्क्रीन पर ले के चलता हूँ, और मैं आपको वहाँ पर बताऊँगा कि आपको क्या करना है। आपको यहाँ पर टाइप करना है अपने क्रोम ब्राउज़र में UPRFSC.gov.in। ये एक तरीके से फर्म सोसाइटी तथा चिट फंड उत्तर प्रदेश का, इसमें आपको एड्रेस वगैरह और ये साइड है आपको मिल जाएंगे। अब जब आप इसको साइट को खोलेंगे तो ये देखिए इस तरीके से आपकी खोलेगी, ये आपका रजिस्टर फर्म सोसाइटी एंड चिट फंड का उत्तर प्रदेश का ये वेबसाइट है। तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप संपर्क करे में जाएंगे, और संपर्क करे में जाके यहाँ पर ऑफिस अपना ढूंढ लेंगे नज़दीकी, जो आपका है जो नज़दीकी आपका शहर है वो उसके आसपास देख लीजिए, वहाँ आप जाके यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, ये सब इसमें एड्रेस लिखे हुए हैं। अब आपका क्या करना है, आपको अब जैसे सोसाइटी पंजीकरण, तो इस पर आपको क्लिक करना है, सोसाइटी पंजीकरण का ये आपका PDF फाइल खुल जाएगा। इस तरीके से इसको भरना होता है, इसको सारी चीज़ें 7 मेंबर या 15 मेंबर्स की जो आप बनाना चाह रहे हैं उनके सारे डॉक्यूमेंट लगते हैं, और कुछ बायलॉज भी बनता है, तो ये आपको यहाँ पर भरना पड़ेगा। ये तो आपका ऑफलाइन है, इसको ऑनलाइन भी कर दिया गवर्नमेंट, तो मुख्य पृष्ठ पर जाएंगे और यहाँ पर सोसाइटी ऑनलाइन पंजीकरण आवेदन का है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इसके बाद ये देखिए यहाँ पर आपका ये ऑनलाइन फॉर्मेट खुल गया है, इसको आप भर सकते हैं। ठीक है, पहले आपको अकाउंट बनाना पड़ेगा, फिर आपको अपनी डिटेल्स भरनी है। इसके बाद आपको क्या करना है, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। इसका आपको थोड़ा सा रीड करना पड़ेगा, इसके लिए आपको जाना पड़ेगा यहाँ पर फर्म सोसाइटी यूज़र मैनुअल, इस पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक और PDF खुलेगा, और इसमें संस्था के ऑनलाइन पंजीकरण हेतु आवश्यक निर्देश हैं। ठीक है, आप ऑनलाइन कैसे इसको फिलअप करेंगे, आप इसको पढ़ के आप उसको फिलअप कर सकते हैं। ये सारी इसमें डिटेल्स दे रखी है, आपको इस तरीके से सारे डॉक्यूमेंट क्रिएट कराने पड़ेंगे। अब आपको क्या करना है, अब मैं इसकी कुछ आपको फ़ीस भी दे दें जो गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखी है। ये देखिए सोसाइटी पंजीकरण 2000 रुपये का है, नवीनीकरण यानी कि रिन्यूअल आपका 1000 रुपये का है, फर्म का पंजीकरण 5000 रुपये का है, और जो पत्रावली जो डॉक्यूमेंटेशन का शुल्क है वो आपको 50 रुपये, 30, 60, 90 इस तरीके से अलग अलग है। ठीक है, इस तरीके से ये रहता है, इसमें सारी डिटेल आप देख सकते हैं, और ये एक तरीके से वेबसाइट बहुत आप देख सकते हैं। अब जब इस ऑफिस के आसपास आप जाएंगे तो आपको कई आपके रजिस्ट्रेशन ऑफिस नज़दीक में मिल जाएंगे, आप उनसे भी वर्क अपना करा सकते हैं। उसका ये फ़ायदा होगा कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट आपको तैयार करने की ज़रूरत नहीं है, उनके पास ऑटोमेटिक सारे बायलॉज बने होते हैं, वो आपका उसमें नाम फिट कर देंगे और एजुकेशन सोसाइटी के हिसाब से आपकी सोसाइटी वो तैयार कर देंगे, या फिर आप सीधे ऑफिस में जाके वहाँ पर आप पता कर सकते हैं। और ऑनलाइन में सब कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन दे रखी है, PDF आप पढ़ लीजिए उसमें क्या क्या लगेगा, तो आप उसको अपने किसी लॉयर वगैरह से आप उसको रेडी करा लीजिए, क्योंकि नोटरी वगैरह से ये आपके रेडी होते हैं। तो इस तरीके से रहता है, अगर आपको कुछ आपको मतलब आपको चाह रहे हैं कुछ नहीं करना पड़े, तो आप अपने नज़दीकी किसी कंसल्टेंट जो रजिस्ट्रेशन कराते हैं हर चीज़ का, वो आप उनके पास जा सकते हैं। ठीक है, ये लोग करते हैं रजिस्ट्रेशन,
और कुछ लोअर भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, सोसाइटी वगैरह वो भी बनाते हैं, ठीक है। तो आप उनके नज़दीक अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मैंने ये जानकारी आपको दे दी है। दूसरा, मैंने आपको बताया था कि आपको अपना सेंटर उद्योग आदम में भी रजिस्टर करना पड़ेगा। तो इसकी फुल फॉर्म होती है मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब जो भी लघु उद्योग हैं उनको ये सपोर्ट करता है। तो इसको ये भारत सरकार का है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का है। तो आप अपने सर्टिफिकेट पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड लिख सकते हैं। जो आपका सोसाइटी है वो आपका स्टेट लेवल अगर आपने बनाई तो आप यूपी गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड लिख सकते हैं, और अगर आपने ये भी करा लिया तो आप दोनों से रजिस्टर्ड आप उस चीज़ को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ पर अपने इसको ऑनलाइन अपने सेंटर को कर सकते हैं, इसमें आपका डिटेल भरी जाएगी। और इसमें क्या रहेगा, इसमें आपका जो बैंक अकाउंट है उसकी भी आपको डिटेल डालनी पड़ेगी, क्योंकि वो प्रिंट में बैंक अकाउंट आएगा। और आपको एम्प्लॉय बताने पड़ेंगे आपको कितने वर्क करते हैं, तो और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है वो आपको यहाँ पर बताना पड़ेगा, ठीक है। आप इसको किसी नज़दीकी जनसेवा केंद्र से आराम से भरवा सकते हैं। तो ये आपका इस तरीके से वर्क करता है, ठीक है। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि आईएसओ सर्टिफाइड आप उसके लिए आपको किसी कंसल्टेंट के थ्रू कराना पड़ेगा। आईएसओ सर्टिफाइड आपको सेंटर को कराना होगा, तो मैं उसके कोशिश करूँगा, मैं उसका भी आपको लिंक दे दूँ। और अगर आपको कराना है आईएसओ सर्टिफाइड अपने सेंटर को, तो प्लीज़ मेरे बॉक्स में अपनी ईमेल आईडी छोड़ दीजिए, मैं उस पर इन्फॉर्मेशन सेंड कर दूँगा, आप उसको चेक कर लीजिएगा। पसंद आया होगा वीडियो पूरा, तो आप बहुत सारी जानकारी सीख गए होंगे कि अपने सेंटर को कैसे रजिस्टर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिएगा और अपनी ईमेल आईडी शेयर करिएगा, और अपना व्हाट्सएप नंबर भी इसमें मेंशन कर दीजिएगा ईमेल आईडी में, ताकि मैं आपके टच में रहूँगा। एक तरीके से आपको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर सकते हैं। तो अपनी ईमेल आईडी ज़रूर मेंशन कर दीजिएगा अपने कमेंट बॉक्स में।